जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर आने को है, तो सर उसके बारे में क्या तैयारियां हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से? देखो, ऐसा है कि अब दूसरी लहर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बहुत कम केसेस आ रहे हैं जी। तो दूसरी लहर से तो हमें अब निजात मिल गई है जी। अब देखने में ये आ रहा है कि तीसरी लहर आएगी जी। तो हम अगर ऐसा कुछ है तो हम उसके लिए पहले ही तैयार रहे जी। आयुर्वेद मंत्रालय ये कहता है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखो जी। अपनी और बच्चों की, उसको वही गिलोय दो, उसको हल्दी दो, उसको आयुष काढ़ा मात्रा में बच्चों को दो। और सबसे बढ़िया है, सबसे पहले तो प्रोटोकॉल जी। मास्क लगा के रखो, बेफजूल बाजारों में मत जाओ, और अगर जाना है डिस्टेंस बना के रखो, और बार बार हाथ धो, बेफजूल बिना फजूल हाथ नाक को और आंखों को मत लगाओ। सर अभी जैसे कि डेल्टा वायरस चंडीगढ़ के अंदर भी इंटर कर गया है, अभी मौली जागरा के अंदर एक केस आया था, तो क्या डेल्टा वायरस खत्म हो जाएगा या उसके ऊपर कोई अभी उपकरण और लाए जाएंगे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से? देखो सर, जो भी हम इम्यूनिटी के लिए बातें कर रहे हैं वो किसी खास वायरस की नहीं है जी। हम तो कह रहे हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम तेज हो, उसमें अगर डेल्टा वायरस आता है या कोई भी वायरस आता है तो उसके लिए अपनी बॉडी तैयार रहे जी। तो आयुष मंत्रालय तो कहता है कि अच्छा भोजन दो बच्चों को जी। घर का बना अच्छा भोजन दो, पौष्टिक भोजन दो, ताकि उसकी बॉडी जो है किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए तैयार रहे जी। उसके बाद जो आयुष काढ़ा बताया गया है, थोड़ी सी काली मिर्च ले लो, सुंड ले लो, दालचीनी ले लो, और ये तुलसी, इसको मिला के रख लो बच्चों को एक चुटकी, थोड़ा सा मात्रानुसार बच्चों को सुबह शाम दो, ताकि वो अगर तीसरी लहर आती है उसके लिए सक्षम रहें। थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करो और गिलोय का पानी उनको थोड़ा सुबह शाम जरूर दो। जैसे कि सर और वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है, क्या हिंदुस्तान में ऐसा खतरनाक लहर तीसरी लहर माना जाएगा या ऐसा नहीं? हम आयुष मंत्रालय वाले कह रहे हैं कि चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हम तो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं जी। तो अगर हम इसको मेंटेन करके अच्छा खाना पीना, सफाई रखते हैं, बच्चों को ताकत की चीज़ें देते हैं, तो हो सकता है कि हम तीसरी लहर को भी कवर करने में सक्षम हो जाएं। सर जैसे अभी सर चंडीगढ़ में बच्चों की मतलब कि इम्यूनिटी क्या है, कह रहे हैं कि 60% 75% जो सी है वो अच्छी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि इम्यूनिटी अच्छी है, वो देखने में ये आया है कि उनमें एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं जो शो करती हैं कि उनको कोरोना हो लिया और उनकी बॉडी कोरोना को लड़ने के लिए सक्षम हो चुकी है। तो ऐसा पहली और दूसरी वेव में बच्चों को कोरोना हुआ, कईयों को पता लगा, कईयों को नहीं पता लगा, तो काफ़ी हमारी लोगों की इम्यूनिटी जो है वैक्सीनेशन से भी और जो आयुष मंत्रालय वाले कह रहे हैं उनको लेने से, होम्योपैथी दवाइयाँ लेने से हमारी इम्यूनिटी कुछ बढ़ रही है, जिससे हम लोग इस डिजीज़ को फाइट करने में सक्षम हो रहे हैं। जैसा कि अभी सर डेल्टा वायरस एक ही पेशेंट आया है, उसके बाद में अभी कोई अदर ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो कि आया हो, तो क्या ऐसा माने कि डेल्टा वायरस खत्म हो गया या उसका प्रभाव चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ के लोगों पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, वायरस के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बढ़ गया या खत्म हो गया, पर हमारी इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता जा रहा है जिससे अगर कोई ऐसी बीमारी आती भी है तो हमारी बॉडी उसको कोप करती जा रही है। लगता है कि डेल्टा वायरस का बहुत ज्यादा प्रभाव इंडिया में नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ ही केस आए हैं, इसके ज्यादा केस नहीं आए, आगे देखते हैं क्या होता है, पर हम कहते हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को तेज रखो जी। ये जो शराब सिगरेट वगैरह इसका सेवन मत करो जो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को गिराता है जी। तो इसलिए ये अपना फास्ट फूड वगैरह कम लो, घर का बना अच्छा भोजन, सुदृढ़ भोजन, पौष्टिक भोजन लो, ताकि हमारी बॉडी कोई भी वायरस आ जाए उसके अगेंस्ट लड़ने को तैयार रहे। आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 निकाला है सर, ये कोरोना वायरस पर कितना अच्छा काम करेगी? देखो जी, जैसे जैसे तक हमारी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, हमने लोगों को प्रिवेंटिव उसमें आयुष 64 दिया जी। खाने के लिए, ताकि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े जी। तो इसके मेरे हिसाब से अच्छे रिजल्ट आए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।